तो हे गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक और नए लैग वाले गेम प्ले वीडियो में। मतलब आज के गेम प्ले में ना क्या ही लैग होने वाला है वो आपको आगे चल के दिखने वाला, मतलब पूरा दिखाएगा आज मैं आपको। लैग वैग कैसा होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है ये तो नहीं पता, लेकिन होता काफ़ी गंदी चीज़ है। अब अगर बात की जाए हॉट ड्रॉप की, तो हम जो जो उसमें कूद जाते हैं पोचिनी की, और पोचिनी की कूदने के बाद हमें भाई वहाँ पर मिल जाते हैं अच्छे खासे बंदे। तो पहले बंदों से फाइट करते हैं, बातें उसके बाद में करते हैं। पता नहीं कैसे मेरे को लिटरली कोई आइडिया नहीं, ना ही मैं कोई हैक लगाया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पे उतरते ही स्कारलेट मिल जाती है। और ये चीज़ की काफ़ी खुशी होती क्योंकि मेरे को आज तक गन नहीं मिली है घर के अंदर, पबजी मोबाइल बैटलिस्ट। तो अब भाई मैं यहाँ पे मतलब मस्त टीपीपी भी लेने लगता हूँ क्योंकि मेरे को साउंड नहीं रहती है बंदे की। तो अब बात कर रहे हैं अपने घर के नीचे वाले बंदे की, तो वो सिर्फ आवाजें देने आता है, रस नहीं करता। तो अब मेरे को ही उस बंदे पे रस करना पड़ता है। लेकिन ये बंदा तो भागना चालू कर देता, और काफी देर तक ये बंदा भागते ही रहता, मतलब फाइट नहीं करता, भागते रहता बस। भाई वो बंदा भाग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किल चोरी करना काफ़ी ज़रूरी है। तो वो बंदे को तो हम नॉक कर देते हैं, और उसके बाद उसके एक टीममेट का किल चोरी कर लेते हैं। तो अब मैं आगे रस कर देता हूँ क्योंकि भाई सामने बंदे नॉक पड़े थे। अब हम पतंजलि के गोलियों से ये बंदों को भजा देते हैं क्योंकि भाई पतंजलि की गोलियां ही चल रही है आजकल BGMI में। मतलब क्या है ये BGMI में भाई पत्ते निकल रहे बंदे को मारने से, थोड़ा लॉजिक वॉजिक क्या ही बोलो, छोड़ो भाई। नीला खून होता तो भी ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ये येलो वाले पत्ते काफ़ी अजीब लग रहे हैं। और अब देखो मैं यहाँ पे हीलिंग लगा रहता हूँ क्योंकि और कोई बंदे का रस ना जाए, क्योंकि मैं पोचिन की कूदा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और सामने से गोलियाँ चल रही रहती है, और फिर मेरे को एक बंदे की फुटस्टेप आती है। और यहाँ पे मेरा लक काफ़ी बेकार चल रहा था क्योंकि मेरा दो दो किल चोरी हो गए, वो भी ये बॉट के कारण। ये बॉट आया और मेरे को लगा कि ये बंदा है, और ये ऊपर चढ़ के मेरे दोनों किल को ले लिया। तो क्या ही बोला जाए, नहीं थे अब यहाँ पे कोई बंदा, मतलब कोई बंदा नहीं बचा है पोचिनकी में। काफ़ी ज़्यादा ही हम उस कैरेक्टर में आ गए, तो अब चलते पोचिनकी से बाहर कहीं और बंदे ढूंढने के लिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन हमें एक ज़रूरी बात करनी। हम तो जा रहे हैं बंदे ढूंढने, लेकिन आप कहाँ जा रहे? नहीं मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ और वीडियो को लाइक कर दो और चाहे सब्सक्राइब कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, और अगर नहीं आ रही हो तो मत करियो क्योंकि आपकी पसंद हमारी पसंद। वैसे मेरे को पता है आधे ज़्यादा लोग नहीं करने वाले, अगर उन्हें पसंद आए तो भी क्या ही बोला जाए, सैड लाइफ। मैं तो गाड़ी लेके जा रहा था, पोचिनकी से भाग रहा था, सपने देख रहा था कि पीछे से गोलियां पड़ेगी और मैं रिग्रेट बन जाएगी, लेकिन तभी एक मोड़ आया, मैं भी उसमें मुड़ गया। मोड़ से मुड़ने के बाद मेरी गाड़ी कहाँ पे ठुक गई, नहीं मतलब क्या ही बोला जाए। बैड लक की भी एक सीमा होती है, और ये उसकी परम सीमा है, मतलब परम सीमा ही बोल लेते। और अब यहाँ पे मेरा बैड लक काम करना चालू कर देता, मेरी गाड़ी पलट जाती और हमारे ऊपर लाल धब्बा आ जाता। तो अब भागना पड़ेगा ऑन फुट, और जल्दी चलते हैं अपार्टमेंट क्योंकि मैं सोचा था वहाँ पे रेस्ट करने का।
अपार्टमेंट में काफ़ी देर तक की कैंपिंग नहीं मतलब तपस्या करने के बाद हमें सामने आती है गोलियों की आवाज़ें। अब ये बंदे को तो मारने में काफ़ी स्ट्रगल लगता है, लेकिन तभी हमें लेफ्ट साइड से आती है आवाज़ें, और ये आवाज़ें देख के हमारा भी आईक्यू चलने लगता है और हम कहीं और से जाके एंगल बनाने लगते हैं। नहीं क्या लग रहा है, नहीं मैं सामने नेट करूँगा। अरे नहीं यार मेरी आदत है रश करने की, और क्या वही चीज़ मैं यहाँ पे भी कर देता। सरप्राइज हो गया हमारा, बिल्कुल अच्छा सा सरप्राइज, और काफ़ी दर्दनाक था ये। अब यहाँ पे तो नहीं हुआ है चिकन डिनर, ना ही कुछ ज़्यादा अच्छे से किल्स हुए, तो चलते दूसरे कंप्ले में और वहाँ पर ट्राई करते चिकन या किल्स लेने का। अब ये वाले मैच की बात की जाए तो ये मैच में हॉट ड्रॉप के नाम पे सिर्फ एक मिल्टा पावर, पोचिन की स्कूल, जॉर्जो पुल और हॉस्पिटल था, और ये हर जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम्स होती। तो मैं आज सोचता हूँ कि मिल्टा पावर घूम आते, क्योंकि कई टाइम से हमें मिल्टा पावर घूमना था और मिल्टा पावर की पूरी शक्ल बिगड़ गई। मतलब जब मैं 3 साल पहले खेलता था तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी मिल्टा पावर यार, कितनी मस्त सी हरे रंग की बिल्डिंग थी जिसका आधा हिस्सा टूटा हुआ था, लेकिन अब पता नहीं क्या मॉडर्न सा हो गया, अजीब सी बिल्डिंग हो गई। और यहाँ पे हम कूद गए, तो कूदते ही हमें मिल गई गन और सामने मिल गए बंदे, तो टट्टी सा स्प्रे करते। अरे बचाओ अपने टीममेट को, तो हाँ पहले तो मैं इसके टीममेट को फिनिश करता और इसको यहाँ पे तड़पने के लिए छोड़ देता। वैसे ये मेरा लॉजिक नहीं था, मेरे को बंदे की आवाज़ें आई थी राइट साइड से, तो मैं भाग जाता हूँ एक्चुअली। तो लेकिन अब मेरे वेट की चरम सीमा पार हो चुकी थी और मैं बिल्कुल जोश में आगे चल देता हूँ, और जितने जोर से गए थे उतने ही जोर से वापस भागते हैं, क्योंकि राइट साइड से बंदे की आवाज़ें आ रही रहती है और ये काफ़ी डेंजरस सैंडविच हुआ था, और ऐसे सैंडविच हमें खाने भी नहीं, वो भी खुद के, तो मतलब नहीं यार। और हम मेरे को भाई कूदना था, नया एंगल बनाना था, लेकिन यहाँ पे तो कोई छत ही नहीं, मतलब गेट ही नहीं, और यही सीन हुआ था मेरे साथ, क्योंकि मेरे को अभी लोकेशन वोकेशन पता नहीं बिल्डिंग विल्डिंग की। लेकिन अब मैं यहाँ पे जोर जोर में नीचे कूद जाता हूँ, और नीचे कूदते मैं यहाँ पे बंदे स्काउट करने का ट्राई करता, लेकिन तभी मेरे को ऊपर से आती आवाज़ें। अब मैं होप करता हूँ आपको भी आ गई हो, क्योंकि अगर नहीं आई तो आपको अपने कान के इलाज करवाना पड़ेगा, मतलब इतने तेज आवाज थी। अब पहले बंदे का बिल्कुल हर्बल तरीके से नॉक फिनिश डाल देते हैं। दूसरा बंदा शॉटगन लेके आ जाता, और ये तो बंदा ही नहीं था। और चौथे बंदे का तो बिल्कुल पिंग ही आई था, तो क्या ही बोला जाए, ये सब क्लच हो जाते। और ये जब चौथा बंदा मतलब इनका तो लास्ट बंदा था हमें सामने कैसे रुक जाता, तो मैं समझ जाता अब इनका कोई टीममेट मिलिट्री पावर मतलब मिल्टा पावर में तो नहीं है, तो मिल्टा पावर में जितने बंदे रहते वो सब फाइट वाइट उनसे क्लच व्लच हो जाती। तो अब चलते कहीं और बंदों की तलाश में। अब हमारे बंदों की तलाश में हमारे रास्ते में सिर्फ 2 मोड़ आते, जो पहला मोड़ रहता वहाँ पर ये ऊपर एक बंदा रहता। और दूसरे मोड में हम चल देते हैं स्टेडियम, और स्टेडियम में 2-2 स्क्वाडें रहती। अब आपको गेस करना है कि हम बचे गए या मरे गए, वैसे वीडियो के 2 ही मिनट बचे हैं तो आप समझ सकते हो क्या होएगे।
लेकिन कोई बात नहीं, सस्पेंस बने रहना चाहिए, तो चलते और फाइट करते। अब यहाँ में तो हम बाल बाल बचते, लेकिन तभी हमारे लेफ्ट साइड में एक बंदा नॉक हो जाता। और किल चरी में तो मैं काफी एक्सपर्ट हूँ, और तभी पीछे एक बॉट आता है, तो उसको भी मार देते पहले तो। और फिर ये बंदे को नॉक देके मैं आगे जाने का सोचता ही, ये बंदा हमें मार देता। शायद तक मैं काफी गलत तरीके रस किया तो या क्या ही बोले। तो नहीं हुआ चिकन, कल पक्का मतलब पच्चा नहीं पक्का अच्छा गेम लेके आएंगे। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, मैं सॉर्ट गुड नाइट, सुब रात्रि।